देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। विजयदशमी पर शस्त्र पूजा होती है, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग में जवानों के साथ त्योहार मनाने पहुंचे। सुकना कैंट में रक्षा मंत्री ने पहले अस्त्र और शस्त्र की पूजा की, बाद में वहां मौजूद जवानों को तिलक लगाया। इस दौरान राजनाथ ने कहा कि लोहे और लकड़ी से बनी चीजों की पूजा उस परंपरा का प्रतीक है, जिसमें हम किसी भी वस्तु के इस्तेमाल से पहले और बाद में उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये प्रतीक है कि जरूरत पड़ने पर शस्त्रों को पूरी ताकत से प्रयोग किया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमने कभी भी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया है, हमें किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। हमने युद्ध तभी लड़ा जब किसी देश ने हमारी अखंडता और संप्रभुता का अनादर किया हो। इधर देश भर में कोलकाता, मैसूर, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। शाम तक रावण दहन होगा, दुर्गा पंडालों में रखी गई देवी प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा।